कोर्ट की वेबसाइट हैक होने की इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया .nic.in की वेबसाइट हैक हुई है। हालांकि ये अभी पता नहीं चल पाया कि हैक कहां से हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको याद होगा, 6 अप्रैल को भी इस तरह की खबरें आई थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि हार्डवेयर में कुछ गड़बड़ियां थी जिसकी वजह से कुछ वेबसाइट्स डाउन हो गई थी। उसे दुरुस्त करने में वक्त लगा, इस वजह से यह मैसेज गया कि वेबसाइट हैक हो गई। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट हैक हो गई है। प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए पीयूष, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट थोड़ी देर पहले जब उसे लॉग इन किया जा रहा था तो उस समय एक ग्रुप, उसमें मैं बताऊं कोई ब्राजीलियन ग्रुप है जिसका क्लेम है, दावा है कि उसने हैक किया है। इसलिए उस पर्टिकुलर मोमेंट पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये मैसेज था कि ब्राजीलियन ग्रुप है जिसने हैक किया हुआ है। उसके बाद से अभी वो वेबसाइट डाउन हो गई है, और जैसा कि मुझे बताया गया सोशल के हिसाब से कि उसे डाउन इसलिए कर दिया गया, अभी उसको रिकवर करने की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, इस मामले में एक और खास बात है कि अभी आधार मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और सुनवाई के दौरान भी इस मसले को उठाया गया है। जब ये बात आई कि किस तरह से आधार के का डेटा होता है वो लीक हो सकता है, होता है, तो वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवोकेट ने ये बात कही है कि देखिए जो आधार का डाटा है वो लीकेज नहीं होता है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए। इसलिए जब अभी ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट हैक कर ली गई है, तो फिलहाल के लिए वेबसाइट खुल रही है, और उस मैसेज के मुताबिक कोई ब्राजीलियन हैकर ग्रुप है जिसने हैक किया था सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए।